नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली। सर, स्वागत है आपका। लंबा दिन रहा, थकाने वाला दिन भी रहा, पीठ कैसी है अब आपकी? पीठ में थोड़ा दर्द है, लेकिन काम तो चलता रहता है। काम आपने किया, लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी इस बजट को लेकर। जेटली और मोदी की टीम का यह पहला बजट था, सबके जहन में था कि क्या अच्छे दिन आएंगे। बजट तो आपने दे दिया, लोग सोच रहे हैं इससे मेरे अच्छे दिन कैसे आएंगे। देखिए, अच्छे दिन तब आएंगे लोगों के जब देश के अच्छे दिन आएंगे। यूपीए सरकार खराब हालत में अर्थव्यवस्था को छोड़ के गई है, अपनी पीठ थपथपाते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था को खराब किया है। अर्थव्यवस्था से लोगों का विश्वास उठा, उसकी विश्वसनीयता में विश्वास टूटा, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी के प्रति विश्वास टूटा, लोगों ने निवेश करना बंद कर दिया, स्थानीय निवेशक विदेशों में भागने लग पड़े, आम आदमी के ऊपर बोझ का बोझ रहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो विकास था वो एकदम फ्लैट हो गया, सरकारी रेवेन्यूज कम हो गए। इस परिस्थिति में 45 दिनों में इस देश को इस परिस्थिति से बाहर निकालना था, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह तो आरंभ है इस यात्रा का, यह अंत नहीं है। और इस आरंभ को हमने शुरू किया, इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि जब आरंभ को शुरू किया तो अपने टैक्सेशन पॉलिसी की स्थिरता को बनाए, निवेश के लिए अपना दरवाजा खोले कुछ क्षेत्रों में, सरकार की नीतियों की स्पष्टता बनाए, हमारे उद्योगों में पैसा लगे, उद्योग खड़े हों, हाई टैक्सेशन से उद्योग नहीं बढ़ते, आप कंपेटिटिव टैक्स रिजीम दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाज के अन्य वर्गों की चिंता करना, इन सब दिशाओं में हमने यात्रा आरंभ की। मुझे खुशी है इस बात की कि ये जो यात्रा आरंभ की है इसकी शुरुआत अच्छी रही, और हम सब में चाहते थे कि आम आदमी पे बोझ ना पड़े। बोझ इसलिए ना पड़े कि उसको अगर टैक्सेस हम बहुत बढ़ा देंगे तो उस बेचारे की क्या परिस्थिति होगी, तो हमने वो टैक्स रिजीम भी स्थिर की, छोटे करदाताओं को थोड़ा लाभ मिलता रहे ये भी हमने प्रयास किया। अब इस स्थिति में आरंभ किया है और इससे एक रोड मैप है भविष्य का, तो देखते हैं ये सड़क कैसी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बिग टिकेट अनाउंसमेंट्स होंगी, कि 91 के बजट, 97 के बजट के बाद इस बजट में एक नई दिशा, सेकेंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स देखने को मिलेगा। आपने कुछ बहुत बड़ा, छोटी छोटी चीजें आपने कई सारी की, बातें आपने की, लेकिन जो एकदम बिग टिकेट अनाउंसमेंट होती है, एक न्यू वेव ऑफ रिफॉर्म्स की, आपने जैसे FDI की बात की, आपने सिर्फ इंश्योरेंस में आपने 49% कही, डिफेंस में भी आपने 49% कहा। अगर आप ज्यादा करते, लोग कह रहे हैं कि इतने कम में जब मैनेजमेंट कंट्रोल ना रहे विदेशों का, समस्या यह है कि जो टेलीविजन प्रोग्राम में आते हैं आप उनको मिलते हैं, देश चलाना और प्रोग्राम चलाना दोनों में अंतर होता है। आज क्या परिस्थिति है कि वाजपेयी जी 26% डिफेंस में करके गए थे, 10 साल यूपीए ने यहां डिफेंस उद्योग लगे ऐसा संभावना नहीं पैदा की। आज परिस्थिति यह है कि दुनिया में हम सबसे बड़े ग्राहक हैं, पूरी दुनिया से खरीदते हैं, विदेशी कंपनियों से खरीदते हैं, लेकिन अपने देश में पैदावार शुरू हो डिफेंस इक्विपमेंट की यह कोशिश नहीं थी। आज हमने किया है कि टेक्नोलॉजी आए, निवेश आए, भारतीय नियंत्रण रहे, डिफेंस का मामला है, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आए, इसको 49 किया। मैंने काफी उद्योग से इस पर चर्चा की, मैंने देश में सभी इंश्योरेंस निवेशकों को बुलाया, अधिकतर क्षेत्र तो खुल चुके हैं, ये दो क्षेत्र ऐसे थे, रियल एस्टेट और टाउनशिप्स का क्षेत्र है, खुला हुआ है, लेकिन कंडीशंस इतनी डिफिकल्ट थी कि कोई पैसा नहीं लगाता था, उसके लिए लगाया। तो 45 दिनों में ये तीन बड़े निर्णय ले लेना, केवल 100 कर देना वो बड़ी अनाउंसमेंट है, 100 में हो सकता है राष्ट्रीय हित पूरा ना हो। तो डिफेंस के मामले में, इंश्योरेंस के मामले में 51% इंडियन, 49% फॉरेन, और विदेशी आने को तैयार है, आज वो तैयार बैठे हैं। विदेशियों को एक चीज और खटक रही है, वो है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। आपके पास मौका था ये कहने का कि ये टैक्स टेररिज्म हमें मंजूर नहीं, हम चाहते हैं कि विदेशी निवेश आए, उससे नौकरी आएंगी। आपने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को पूरा खत्म क्यों नहीं किया, खारिज क्यों नहीं किया? देखिए, मेरी भाषा है,
राहुल कर्मल की भाषा उनकी भाषा है। हमने टैक्स स्टेबिलिटी के लिए कम से कम 5-6 चीजें की। संसद को अधिकार है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने का, वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या ये सरकार आगे से नई जिम्मेवारी तय करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाएगी? नहीं। नए नोटिस देगी? असेसिंग ऑफिसर्स नहीं दे पाएंगे, सीबीडीटी ध्यान देगा उस विषय में। चौथा विषय, जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं उसका क्या होगा? अब मैंने मुकदमे खत्म नहीं किए, मैंने कहा कि उन मुकदमों का फैसला होने दो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जुडिशियल कोर्स भी है और लेजिस्लेशन का कोर्स भी है। मैंने बाकी विषय अपनी नीति से तय कर दिए। एक विषय मैंने कहा कि जो कुछ केसेस में लिटिगेशन चल रहा है, लेट इट सी इट्स एंड, वो अपने आप में खत्म होगा। ये आवश्यक नहीं था कि लिटिगेशन को मैं इंटरवीन करके अपने आप में खत्म करवाऊं। पिछली सरकार ने निर्णय लिया था, हो सकता है गलत निर्णय लिया हो, लेकिन वो सरकार का निर्णय था, इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, दे कैन कम आउट फुल स्ट्रीम। आपने कहा यूपीए सरकार बहुत फिजूल खर्ची कर रही है, सोशल स्पेंडिंग बढ़ रहा है, लेकिन वो सही से यूज नहीं हो रहा। आपने खर्चे कम करने की दिशा में तो ज्यादा कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं, क्यों नहीं? क्या आप डर गए कि चुनाव है महाराष्ट्र के, हरियाणा के, दिल्ली के? नहीं है। आप सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इस देश में जरूरी है, इस देश में गरीब लोग भी बहुत अधिक मात्रा में है, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग उन तक पहुंचती है, लेकिन उन योजनाओं का देश को लाभ भी हो। आप केवल पैसा बांट दे और कहें मनरेगा हो गया, ये एक योजना है। आप कैसे करेंगे? आप मनरेगा को एसेट क्रिएशन के साथ लिंक कर दो, देश के एक एसेट्स बनेंगे। हमने आज अपने बजट में कहा कि एसेट क्रिएशन के साथ लिंक करेंगे, ये अंतर है उनमें और हमें। पर लोग कह रहे हैं कि ये तो सब चिदंबरम भी कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि एसेट सही से यूज होना चाहिए, वो भी चाहते थे कि इंश्योरेंस उनचास हो, नहीं कर पाए। लेकिन जेटली जी और चिदंबरम जी की जो सोच है, नजर उसमें क्या फर्क? आप देखिए, हम लोग कई सेक्टर्स ऐसे थे, जीएसटी में हमने कहा कि हम पॉजिटिव इस बार करके दिखलाएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट कदम है। रेट्रोस्पेक्टिव जो समस्या उन्होंने पैदा की थी, हमने उसको सेटिसाइड किया। पूरे देश के अंदर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए एडवांस रूलिंग्स के मैकेनिज्म्स बनाना, ट्रांसफर प्राइसिंग की भयंकर करोड़ों अरबों रुपए की लिटिगेशन है उसको समाप्त करने का प्रयास करना, ये 45 दिन में वर्कआउट करना था। एफडीआई के जो एरियाज जिसमें रुकावटें आई हुई थी उनको पूरा करना, दोनों का रोड मैप था। कुछ लोग अपनी रोड के ऊपर बैरियर्स क्रिएट कर रहे थे और हम उन बैरियर्स को हटा के आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बुनियादी अंतर है। जैसे रीट्स का मामला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है रियल एस्टेट की और स्मार्ट सिटीज वगैरह में इंटरवेंशन का। हम लोगों ने उसमें टैक्सेशन की एक रिबेट देने का प्रश्न था, चिदंबरम साहब ने कहा रिबेट नहीं दी, एक रुपया नहीं आया, हमने बोल्डली उसमें रिबेट दी। अब देखिए उसका स्वागत होगा बाजार के अंदर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथन करना, ये छोटा काम नहीं था इस देश में। अब इस देश में वीजा ऑन अराइवल, इलेक्ट्रॉनिक वीजा टूरिज्म को आगे बढ़ाएगा, ये एक बहुत सरल कदम है, इसमें बहुत पैसा नहीं लगता, लेकिन एक व्यवस्था बनाना और नीति बनाना उसका प्रश्न है। आपके आलोचकों ने सवाल पूछा कि जेटली जी मूर्ति बनाने पे 200 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं, लेकिन महिला की सुरक्षा पे केवल 150 करोड़। देखिए, जिसने पूछा उसको, उनको सरकार कैसे चलती है इसका आइडिया नहीं है। कई योजनाएं हैं, पहली भी सरकार चलाती थी, तो जो पहला वर्ष होता है उस योजना का, यह वर्ष कैसा है, 4 महीने निकल चुके हैं, 2/3 वर्ष बाकी है, 1/3 पूरी योजना बनाने में लगेगा, स्टेट्स बनाती हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो हम उसमें निवेश भी करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा इस साल नहीं हो पाएगा। मैंने कहा बंगाल में एम्स बनाइए, ममता जी जमीन लाएंगी, फिर वहां के नक्शे बनेंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू होगी, इस साल तो 50 करोड़ भी नहीं खर्च हो सकता उसमें, अगले साल हो सकता है 100 करोड़ देना पड़े। तो इसलिए योजनाओं का जो पहला वर्ष होता है उसमें आप एक नॉमिनल अमाउंट देते हैं पूरी रिपोर्ट बनने के लिए और काम शुरू करने के लिए। लेकिन मैंने सुना कांग्रेस पार्टी के एक उपाध्यक्ष जी ने कहा कि 100 करोड़ में क्या होगा। अरे 100 करोड़ पहले वर्ष में होता है जब ये योजना बनती है, आने वाले वर्षों में वो एक्सपैंड होता है और उसमें और ग्रांट्स जाती हैं। हर योजना, अब रिवर इंटरलिंकिंग की योजना है, 100 करोड़ से क्या होगा, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद जब एक्चुअल कोई नदी का मामला आएगा, स्टेट क्या खर्चेगा, सेंटर क्या देगा, फिर ये उस विषय में जाएगा। जहां तक महिला सुरक्षा है,
दो तीन स्कीम्स उस निर्भय फंड में से चल रही हैं। उसमें एक योजना है कि क्या टेलीकॉम व्यवस्था के माध्यम से कोई महिला जो परेशानी में हो वो एक नंबर, सिंगल डिजिट नंबर घुमाए और उससे उसको लाभ मिल जाए। दूसरी ये है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मेनका जी चाहती है कि सारे देश में हो, होना चाहिए, लेकिन दिल्ली शहर में जितने जिले हैं और जितने हॉस्पिटल्स हैं, हर हॉस्पिटल में एक रिलीफ सेंटर सा बने कि कोई भी पीड़ित महिला, उसका साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन होना है तो वो उस सेंटर में जाकर भर्ती हो जाए। वहां महिला पुलिस भी होगी, वहां महिला स्टाफ भी होगा, और जब तक उस पर अत्याचार हुआ है और उसको हम स्टेबलाइज नहीं करते तो उस प्रोसेस के लिए। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के संदर्भ में लिया है, एक नॉमिनल खर्चा आएगा, सफल होगा तो मेनका जी ने कहा मैं पूरे देश में इसको एक्सपेरिमेंट को ट्राई करूंगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का वायदा तो कई वित्त मंत्रियों ने किया है, कभी वो कामयाब नहीं हुआ, हर बार राज्यों से अड़चन आई। देखिए, मैंने एक महीने में दो बार राज्यों के साथ सम्मेलन किए हैं, राज्यों के वित्त मंत्रियों को एक महीने में दो बार मिला हूं, और मुझे विश्वास है कि डिफरेंसेस काफी नैरो डाउन हो रहे हैं। दो एरियाज पे अभी भी चिंता है, एक एरिया फिर मुझे विरासत में मिला है। कौन सा? पांच सालों से जो सीएसटी कॉम्पनसेशन देना था राज्यों को नहीं दिया, तो राज्य कहते हैं हम केंद्र पे विश्वास क्यों करें। अब लाइबिलिटी उस वक्त की थी, पैसा मैं लाऊंगा और आज मेरे पास है नहीं, इस वर्ष के अंत तक मैं उनको दूंगा। उसके बाद राज्य चाहते हैं कि दो विषय जीएसटी से बाहर रखे जाएं। मैंने भी अपना मन बनाया है कि अगर सर्वसम्मति से राज्य कह रहे हैं तो मैं उनको ओवररूल नहीं करूंगा। अगर मैं आइडियल जीएसटी नहीं ला सकता तो मैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड गुड, सो आई एम विलिंग टू सेटल फॉर गुड एंड वेरी गुड इवन इफ आई कांट गेट द आइडियल। पर जनता वित्त मंत्री से जानना चाहती है कि महंगाई सर कैसे कम होगी। देखिए, महंगाई बहुत बड़ी शैतान है जो महंगाई का प्रत्यक्ष असर सप्लाई साइड के साथ है। एक महंगाई तो इंटरनेशनल फैक्टर्स, ऑयल वगैरह पे डिपेंड करती है। इस देश में जुलाई से लेकर नवंबर तक प्याज की कीमत 100 रुपए तक गई है, कांग्रेस की हुकूमत में 80 रुपए तक गई है, यहां 15 से बढ़कर 20-22 पे पहुंची और 25 तक हमने कंटेन कर लिया, और उसको रोकने के लिए 6-6 मीटिंगें हो रही हैं, पूरे देश के मंत्रियों के सम्मेलन हो रहे हैं। तो प्रोएक्टिव गवर्नमेंट होगी तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और जो सप्लाई साइड की हम चिंता करें, अगर मान लीजिए सूखा पड़ गया क्या होगा, क्या तैयारियां, तब तो बैकअप प्लान क्या है? देखिए, वी हैव अ बैकअप एक्शन, बताइए जनता को, क्योंकि जनता परेशान है, अब लग रहा है कि सूखा पड़ ही रहा है देश। नहीं नहीं, ऐसा निश्चित नहीं, कोई निश्चित नहीं है, 73% चांस। वी हैव अ बैकअप प्लान रेडी, प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक। आपने प्याज 25 रुपए से नीचे था और देश में प्याज का पैनिक हो गया, प्याज तो 80 और 100 रुपए कांग्रेस के जमाने में बिकता था। तो इसीलिए सूखा पड़ेगा, अगर बरसात जुलाई के अंत तक अच्छी होती है, अगस्त में अच्छी होती है, तो सूखे की संभावना कोई नहीं है, पैनिक करने का कोई कारण नहीं है, और हमारे पास काफी व्यवस्था है खाद्यान्न की। पश्चिमी एशिया में भी लड़ाई चल रही है, वहां से भी चीजें महंगी हो रही हैं, तेल की कीमतें खासतौर से। देखिए, पिछले एक सप्ताह में तेल की कीमतें मॉडरेट होनी शुरू हुई हैं, इसलिए फिर मैं कहूंगा $115 तक ब्रेंट गया था, आज $108-109 पे है। एक आखिरी सवाल पूछेंगे आपसे खत्म करने से पहले, गुजरात मॉडल की आपने बात की और कहा कि देश को गुजरात बनाना है, गुजरात में विकास होता है 10% की दर पर, आप कह रहे हैं कि 5.4 से 5.9 के बीच में रहेगी देश की विकास वृद्धि की दर, आपके हिसाब से 10% तक क्या देश पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा? देखिए, मैं 10% तो नहीं कह सकता, मुझे विरासत में 4.5% मिला है, उसको धीरे धीरे 7-8% तक लेके जाना, ये मैंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और उस दिशा में मैं काम। जनता की शिकायत है, आपने अच्छे दिन की बात तो की लेकिन ये नहीं बताया कि अच्छे दिन का रास्ता बुरे दिनों से होके गुजरेगा। देखिए, राहुल कन्वल को कम टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा? टैक्स थोड़ा सा कम किया है आपने, लेकिन ज्यादा नहीं, लोगों ने कहा कि 50,000 आपने बदला, लोग 3 लाख की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, लोग की बात छोड़िए, आप पिछले 67 वर्षों में एक जंप कभी 50,000 रुपए का मिला है टैक्स एग्जेम्पशन में? पर आप नए वित्त मंत्री हैं, ऐसा नहीं है, उम्मीद थी, बड़ा बजट। मैंने टैक्स एग्जेम्पशन 50,000 बढ़ाया, मैंने 80C सेविंग्स पे 50,000 बढ़ाया, मैंने हाउसिंग लोन्स पे 50,000 बढ़ाया, तीन श्रेणियों में मैंने 50-50,000 के तीन रिलीफ दिए, ताकि जो करोड़ों करदाता हैं मध्यम स्तर के, छोटे स्तर के, हर एक को 5-10 हजार से लेकर 40-45 हजार तक का फायदा हो सके, और ये करोड़ों लोगों को हुआ है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे कोई खेद है तो एक खेद है, मेरा अपना विचार ये है अर्थव्यवस्था के विषयों पे कि अगर मेरी जेब में ज्यादा पैसे होते
मेरी विरासत थोड़ी बेहतर होती तो मैं इस दिशा में और देता। नौकरियां नहीं है लोगों के पास, आपको क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है इस बजट से कॉन्फिडेंस आएगा नौकरियां? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ डिल हो गई, नए उद्योग नहीं लग रहे, एग्जिस्टिंग उद्योग बंद हो रहे थे, और इसलिए जितने मैंने टैक्स रिबेट्स दिए हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दिए। पर आपको लगता है विश्वास वापस आएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का खास? मुझे लगता है इसकी आवश्यकता है। इंडिया में रिलायबिलिटी नहीं है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। देखिए ये विरासत थी, लेकिन आज बदलाव आएगा।